ले चलते हैं आपको दूसरा की ओर, जहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के पास NH21 हाईवे पर रोडवेज बस और ट्रक के बीच हुई भीषण भिड़ंत, जिसके चलते 20 से 25 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में किया गया है भर्ती। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के पास NH21 हाईवे पर कल रात को 12 बजे RTO की गाड़ी गश्त मारते वक्त एक ट्रक और रोडवेज बस में एक्सीडेंट बहुत ही खतरनाक तरीके से हुआ, जिससे 20 से 25 लोग घायल हो गए, जिनको 108 एम्बुलेंस की सहायता से हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। रोडवेज ड्राइवर कैबिन में फंस जाने के कारण एक या डेढ़ घंटे में काफी मेहनत करके लोगों की सहायता से बाहर निकाला गया, जिससे वह सुरक्षित बाहर निकल कर रामकरण राजकीय हॉस्पिटल दौसा में भर्ती कराया गया। अभी उसका इलाज चल रहा है।